नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इसराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, हिजबुल्ला भी लगातार अपनी तरफ से हमला जारी रखे हुए हैं। हिजबुल्ला पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब हिजबुल्ला के तीन ऐसे हथियार हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, और ये हथियार क्या है, अगर इससे हमला किया गया तो फिर इसराइल में किस तरह की तबाही आएगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, तीन हथियारों की बात हो रही है क्योंकि लगातार इसराइल हमला कर रहा है लेबनान पर, हिजबुल्ला पर, इसके बावजूद हिजबुल्ला अब भी खड़ा दिखाई दे रहा है और कह रहे हैं बड़ी तैयारी में है, कुछ ऐसे हथियार उसके पास हैं जो कि इजराइल में तबाही ला सकते हैं। देखिए, एक बात आपने ठीक कही कि हिजबुल्ला पे बहुत बड़े अटैक्स हुए हैं इसराइल के, लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्ला ने पिछले 48 घंटे में जबरदस्त अटैक किए हैं उत्तरी इसराइल पर। आप देखें कि पिछली दोनों रातों को लगातार मिसाइल्स, रॉकेट्स इसराइल पर बरसाए गए हैं। वहाँ पे कितना नुकसान हुआ इसको लेके डिटेल जानकारी सामने चूंकि इसराइल से नहीं आती है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसराइल पे भी जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे कई जगह पर आग लगी है, जो इसराइल की सेना के बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया है। और ऐसे में हिजबुल्ला तो ये भी दावा कर रहा है बहुत सारे सैनिक, इसराइली सैनिक भी मारे गए हैं, ये ऐसा हिजबुल्ला की तरफ से दावा है। अब देखिए, इस पूरे बीच में कल एक ऐसी घटना हुई है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कल देखिए, तेल अवीव में इसराइल के ऊपर एक मिसाइल लोकेट की गई जो कि हिजबुल्ला की तरफ से फायर की गई थी, और ये थी कदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, ये पहला मौका है जब लेबनान की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसराइल पे फायर की गई, और इसके इसे आयरन डोम सिस्टम ने इसे रोक लिया आसमान में, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, ये जो मिसाइल है कदर 1 जो आप बता रहे हैं कि तीन हथियारों का जिक्र जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जिससे इसराइल के जो है एकदम इसराइल में बहुत बड़ी चिंता का माहौल है इसको लेके। जो कदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आप देखिए इसकी रेंज जो है वो 1350 किलोमीटर है, और ये करीब 1000 किलोग्राम का पेलोड जो है, ये हथियार जो है, विस्फोटक जो है, वो अपने साथ कैरी कर सकती है। तो ये पहला मौका था जब इस रेंज की बड़ी मिसाइल हिजबुल्ला की तरफ से फायर की गई। और एक गौर करने वाली बात ये है कि ये जो कदर 1 मिसाइल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो आप देखिए कि हिजबुल्ला के पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे वेपन्स आ गए हैं या उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जो इस्तेमाल अब हिजबुल्ला ने शुरू कर दिया है, उसमें से एक है ये कदर 1 मिसाइल। इसके साथ हम आपको बताएं कि एक P-800 ओनिक्स मिसाइल है, इसका भी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। बताया जाता है कि रशिया की मिसाइल है जिसको ईरान के रास्ते जो है लेबनान तक पहुंचा दिया गया है हिजबुल्ला के पास, और ये बताया जा रहा है, ऐसी खुफिया जानकारियां हैं, ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे कि ये जो P-800 मिसाइल है इसकी एक तो रेंज 800 किलोमीटर है करीब, और ये 3200 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड है, और ये भी 500 किलोग्राम का जो है वॉरहेड्स अपने साथ ले जा सकती है। अब देखिए, हम वो बात करने लगे हैं, अब तक क्या हो रहा था कि हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट्स फायर हो रहे थे, लेकिन अब ये पूरी लड़ाई जो है वो एकदम आर पार की लड़ाई में बदल गई है, और हिजबुल्ला की तरफ से अब कुछ बेहद खतरनाक जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल शुरू हो गया है, जिसमें कदर 1 मिसाइल थी, जिसमें अब ये P-800 ओनिक्स मिसाइल है, इसका जिक्र हो रहा है। और उसी तरह आप देखिए कि एक तीसरा हथियार है जिसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो है FADI-3 रॉकेट्स। ये वो रॉकेट्स हैं जिनके द्वारा पिछले 3-4 दिनों में इसराइल पे, खासकर उत्तरी इसराइल पे, इसराइल के IDF के बेसिस पे लगातार हमले किए गए हैं, और इन रॉकेट्स को कई जगह तो आयरन डोम ने हवा में खत्म भी कर दिया, लेकिन बहुत सारे रॉकेट्स कहा जा रहा है जो इसराइल पे गिरे भी हैं। जा रहा है बिल्कुल कि खास तौर पर इजरायली सेना के ठिकानों को टारगेट करते हुए। दो तरह से चीजें हैं, एक तो ये जो कदर 1 मिसाइल कल फायर की गई, इसके निशाने पे बताया जा रहा है कि मोसाद का हेडक्वार्टर था, और जो इसराइल की यूनिट है 8200, ये वो यूनिट है जो कि जो बीपर अटैक्स हुए, जो पेजर अटैक्स हुए थे लेबनान में, उसको प्लान करने में कहा जाता है कि ये 8200 जो यूनिट है इसराइल की जो है उसका हाथ था। और ये जो कदर 1 मिसाइल फायर की गई थी, बैलिस्टिक मिसाइल, ये बताया जाता है कि मोसाद और 8200 का जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट करके फायर की गई थी। तो आप देखिए कि हिजबुल्ला के निशाने पे एक तो मोसाद है सीधा सीधा, और जो ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल है, ये इसने अमेरिका के भी कान खड़े कर दिए हैं, और ये इसराइल के लिए तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। खबर जैसे आई कि एयर स्ट्राइक किया, अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया, अब है कि लेबनान के रास्ते
मतलब बॉर्डर के रास्ते अंदर दाखिल होने की इजरायली सेना कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या हम ये माने कि हिजबुल्ला भी पहले एयर स्ट्राइक और फिर कुछ बड़ा करने की फिराक में है? देखिए, अब ऐसा लगता है कि एक बात तो साफ है कि जिस तरह से लिबनन में अटैक हुए उसके बाद हिजबुल्ला जो है वो एक बड़े पलटवार के लिए तैयार है, और जो हथियार, जो रॉकेट्स, जो मिसाइल, देखिए आप एक बार देखिए कि इतने बड़े हमले के बाद भी, इतने बड़े अटैक हुए लेबनन में, इतने सारे कमांडर्स मारे गए हिजबुल्ला के, लेकिन उसके बाद भी इसराइल पे लगातार हमले जारी हैं, रॉकेट्स लगातार गिर रहे हैं, और तस्वीरें भी आई हैं कई उत्तरी इलाके के बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वहाँ से वो पीछे की तरफ आ गए हैं, मतलब उन्हें दक्षिणी इसराइल की तरफ मूव होना पड़ा, उत्तरी इसराइल को खाली करना पड़ा है। तो देखिए, बड़ी हानि तो इसमें इसराइल की भी हुई है, इसमें दो मत नहीं है। और अब इतने हमले के बाद भी अगर हिजबुल्ला इसको रिटेलिएट कर रहा है, अभी भी इसराइल पर हमला कर रहा है, तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि देखिए एयर स्ट्राइक्स जो होती हैं, देखिए जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध है, काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी लंबा खिंच चुका है, दो ढाई साल हो गया, काफ़ी लंबा चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन की हार नहीं हुई। पहले कहा जा रहा था कि 7 दिन में हम युद्ध खत्म कर देंगे, रूस की तरफ से कहा गया, दावा किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप देखिए हिजबुल्ला भी जो है एयर स्ट्राइक्स करने से किसी भी संगठन को पूरी तरह ख़त्म करना संभव नहीं है। जब तक आप ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक आप उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। तो देखिए अभी इसराइल की तरफ से कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है, तो हिजबुल्ला के भले कुछ कमांडर्स मारे गए हों, भले नुकसान हुआ हो वहाँ पे, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में हिजबुल्ला के पास हथियार हैं और वो अटैक करने को भी तैयार है। मयंक, सबसे बड़ी बात है हिजबुल्ला जिस तरह से अंडरग्राउंड बंकर उसने बना रखे थे, उसे पता था कि अगर वो सीधे सीधे इस तरह के हमले करेगा इसराइल पर तो इसराइल की तरफ से भी पलटवार होगा, और इसी वजह से उसने अपने सेफर साइट के लिए पूरा अंडरग्राउंड एकदम कह सकते एक बंकर जैसा बना रखा है जिसमें हर सुविधाएं हैं, यहां तक कि हथियार रखने के लिए भी तमाम तरह की चीजें। तो यही वो दिन था जिसके लिए हिजबुल्ला अपने आप को लेकर तैयार कर रहा था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ऐसी हालत हमें गजा में भी देखने को मिली, जहां पे हमास की टनल्स थी, उनको उनका पता लगाने में, उनको खत्म करने में इजरायली सेना को बहुत कोशिश करनी पड़ी, और बंदकों का पता नहीं लगा, अभी तक बंदकों का पता नहीं है, वो कहां है कोई नहीं जानता। तो ये टनल्स बहुत बड़ी चुनौती जैसे गजा में थी, ऐसे ही हालात जो है वो लेबनन में भी है। तो हिजबुल्ला को सीधा टारगेट करना बिना ग्राउंड ऑपरेशन के, इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि कहीं इसराइल जो है वो जल्दी ही कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन ना करे। और इसी को लेके हिजबुल्ला की तरफ से एक बयान आया है कि अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है इसराइल की तरफ से तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें बड़ा सवाल ये है कि हिजबुल्ला की तरफ से जो लगातार अटैक हो रहे हैं, इसमें देखिए हिजबुल्ला का बैकअप लाइन जो है वो भी अच्छी खासी मजबूत है। देखिए एक तरफ रूस है जो कहते हैं कि रूस के हथियार जो हैं वो हिजबुल्ला को के पास हैं, जो प्रोवाइड किए गए ईरान के रास्ते, ईरान तो बैक कर ही रहा है। साथ ही चीन से जुड़ी भी ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया में चर्चा में हैं कि भाई चीन भी जो है वो बैकअप कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए चाहे वो इसराइल हो या लेबनन हो, बहुत छोटे छोटे देश हैं, ये अपने दम पर बहुत लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ सकते, यानी कि जब तक बैकअप नहीं होगा तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और यही बैकअप है कि आज तक चाहे पिछला युद्ध, अगर यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है रशिया का, आप सोचिए कि रूस के साथ कोई उलझना नहीं चाहता, ऐसे में इतने लंबे समय तक यूक्रेन ने लड़ाई की जीती, तो आप समझिए कि जब तक बैकअप ना हो नहीं होगा तब तक ये छोटे छोटे देश इस तरह से इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए अभी हमने जो स्कदरवन मिसाइल का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि इसकी जो तकनीक है ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल की है, तो आप देखिए एक तरह से हिजबुल्ला के लिए भी बड़ा बैकअप लाइन है, न सिर्फ प्रॉक्सीज बल्कि कई मुल्क ऐसे हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो देखिए इसराइल के लिए ये आसान चुनौती नहीं है जो कि लेबनन में कि सिर्फ एयर स्ट्राइक करने से अगर आप चाहते हैं कि हिजबुल्ला जड़ से खत्म हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए तो कोई बड़ा ऑपरेशन करना होगा, जिस इसी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसराइल हो सकता है कि कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर दे। और इसको लेके जो वहाँ के IDF चीफ है उन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि उनका कहना ये था कि पहले हम एयर स्ट्राइक करेंगे, एक फ्री वे तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये IDF के जो चीफ है हवेली, उनकी तरफ से कल ये बयान आया है। तो अब देखिए अगले एक दो दिनों में हो सकता है कि इसराइल की तरफ से कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हो, लेकिन उसका पलटवार करने के लिए हिजबुल्ला और ईरान के बाकी प्रॉक्सीज जो हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। और इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से लेबनन की तरफ इजरायली सेना आगे बढ़ सकती है, इसके लिए वो तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी पूरी तरह से तैयार है, कौन कौन उसके साथ है और किस तरह से हिजबुल्ला के साथ अगर ये तमाम संगठन आ जाते हैं तो फिर इसराइल के लिए कितना दिक्कत आगे आने वाले दिनों
दिनों में हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसको लेकर हम जरूर आपके सामने बताएंगे कि कौन कौन से संगठन किसके साथ खड़े हैं, और अगर युद्ध छिड़ता है, आमने सामने की टक्कर ग्राउंड पे होती है, तो फिर किस तरह से इसके परिणाम निकल कर सामने आते हैं। लेकिन इस वीडियो के साथ इसे यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें, आप क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल मुझे और बैंक को दीजिए इजाजत।